किसान त्राहिमाम कर रहा है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है और सरकार किसानों की जुबान बंद करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन इस बार किसानों ने सरकार के सामने नहीं झुकने की ठानी है और किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं खुद राकेश टिकैत। और अब सीधा होगी लखनऊ पर चढ़ाई। तीन कृषि कानूनों के विरोध में अब किसान सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोर्चा खोलेंगे और इसके लिए राकेश टिकैत ने की है बड़ी तैयारी। ऐलान कर दिया है 22 नवंबर को लखनऊ आ रहे हैं, सरकार स्वागत का इंतजाम करे। 9 नवंबर को ही राकेश टिकैत ने ट्वीट किया था, लिखा था, ऐतिहासिक होगी लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत। एसकेएम की ये महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कीन साबित होगी। अब पूर्वांचल में भी और तेज होगा अन्नदाता का आंदोलन। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों को लेकर कहा था, आंदोलनकारियों को लखनऊ और दिल्ली के बीच का फर्क समझना चाहिए। शायद योगी के इसी अहंकार का जवाब देने आ रहे हैं राकेश टिकैत। योगी ने कहा था, ये महसूस करना होगा कि किसान यहाँ आएगा तो उसका स्वागत होगा, लेकिन अगर कानून के साथ खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी उसका स्वागत होगा। आपको बता दें, इस बार किसान लखनऊ बड़ी तैयारी के साथ कूच करने जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने किसान भाइयों से कह दिया है कि ट्रैक्टर पर अनाज लाद दें और अपनी पार्टी का झंडा लगा लें और चलकर उसे मंडी में बेचें। टिकैत ने तो ट्रैक्टर 10 साल से पुराना ना हो इसका भी ध्यान रखने को कहा है। लगता है इस बार किसी भी चूक के मूड में नहीं है राकेश टिकैत। आपको बता दें, 26 नवंबर को किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर आंदोलनकारी नेता शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 29 नवंबर से संसद के सत्र के दौरान हर दिन ट्रैक्टर मार्च निकालने का काम शुरू होगा, यानी कि अब एक तरफ किसान दिल्ली से लखनऊ की तरफ कूच करेंगे और दूसरी तरफ लखनऊ की राजनीति धीरे धीरे और तूल पकड़ेगी, क्योंकि किसान बीजेपी का वोट बैंक खिसकाने की कोशिश करेंगे। वहीं विपक्ष को भी सरकार को घेरने के लिए किसान जैसा बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। विपक्ष और सत्ता में बैठी सरकार के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी और फिर किसानों की आगे की रणनीति का भी कुछ खुलासा हो पाएगा। लेकिन अब इंतजार तो 22 नवंबर का ही है, जिस दिन की चुनौती टिकैत ने सीएम योगी को दी है। क्या इस टक्कर में टिकैत आगे निकल पाएंगे या फिर लखनऊ में घुसने से पहले ही योगी टिकैत को अपने कहे अनुसार रोक देंगे और फिर जनता की नजर में भी तो किसानों और सत्ता में बैठी सरकार का मुद्दा क्लियर हो पाएगा। इस टक्कर को आप लोग किस तरह से लेते हैं? क्या चुनाव के बीच में टिकैत का यूं लखनऊ कूच करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।